नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं, यानी कि जो बिगनर हैं, जिन्होंने अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अभी अभी खोला है, या जो चाह रहे हैं अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना और वो चाह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो उनके लिए कैसे वो खुद से ही, यानी कि किसी दूसरे से नहीं, खुद से वो कंपनियों का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो मैं ये तरीका आपको बताने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ बताऊँगा कि आपका डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है और जो है आपको डीमैट क्यों खोलना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट में आना है, आपको किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल है जिन्होंने अभी अभी अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोला है या खोलने जा रहे हैं या सोच रहे हैं शेयर मार्केट में निवेश करने का। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाके किसी भी कंपनी के साथ, जरोधा, एलआईएस ब्लू या जो है अप स्टॉक, स्टॉक कार्ट, किसी के साथ भी आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। तभी बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट ब्रोकर हैं, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ये अकाउंट है। 15 से 20 मिनट में आप जो है अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं खोला है तो खोल लीजिए। तो हम बात करेंगे कि जो स्टॉक मार्केट में नए लोग एंटर कर रहे हैं जिन्होंने अपने डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोले हैं, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, मैं वो पहले क्लियर कर देता हूँ कि डीमैट अकाउंट आपका कैसे काम करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने पैसे बैंक में रखने हैं तो आपके लिए एक सेविंग अकाउंट की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पैसे को जो है बैंक में रखूं, तो वहां पे आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक अकाउंट आपका होना चाहिए, जब ही जो है आप उसमें अपने पैसे को रख सकते हैं। इसी के साथ साथ मान लीजिए किसी भी कंपनी के आपको शेयर खरीदने हैं, यानी कि आपको शेयर खरीदने हैं, तो इसके लिए आपके पास एक डीमैट का होना बहुत ज़रूरी है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपना डीमैट खोलेंगे तो इसी के साथ साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी जो है खुल जाता है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों कि अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती ही होती है, डीमैट के साथ साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी जो है खुल जाता है। अब ये काम कैसे करता है, अभी आपने जब डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो आपका एक बैंक, यानी कि जो भी आप बैंक देंगे जिसमें आपका सेविंग अकाउंट है, वो आपके डीमैट से जो है लिंक हो जाएगा। आपका ये जो बैंक है, आपके डीमैट खाते से क्या हो जाएगा, इसको लिंक कर दिया जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वायरी भी रहती है कि सर, अगर हमने अपना डीमैट अकाउंट से बैंक अकाउंट लिंक कर दिया तो उसमें हमारा फंड जो है डीमैट में जाता रहेगा या मार्केट में खरीदारी होती रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो एक तरीके का आप वॉलेट मान सकते हैं इसे, कि जब आप उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे, दो माध्यम है उसको फ़ंड को ट्रांसफ़र करने के, या तो आप UPI के थ्रू या जो है नेट बैंकिंग के थ्रू। तो जब तक आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने डीमैट अकाउंट में फ़ंड नहीं डालेंगे, UPI के थ्रू नहीं डालेंगे, तब तक उसमें कोई भी फ़ंड जाएगा नहीं। तो आपको जो है UPI से या नेट बैंकिंग से आपको अपने डीमैट खाते में जो है फ़ंड को ऐड करना होगा। वो 1,000 भी हो सकता है, वो 10,000 भी हो सकता है, वो 1 लाख भी हो सकता है ना, जितना आप चाहें, वो 10 लाख भी हो सकता है। तो आप जितना फ़ंड उसमें ऐड करेंगे वो आपका जो है डीमैट अकाउंट में शो होता रहेगा। अब आपका फंड ऐड हो गया, आपने डीमैट खोल लिया और आपका बैंक अकाउंट लिंक है, आपने अपने पैसे जो है सेविंग में डाले, या जो भी आपका अकाउंट है, चाहे वो करंट है या सेविंग है, आपने अपने पैसे उसमें डाले, उससे आपने पैसे जो है अपने डीमैट अकाउंट में लिए। आप क्या करेंगे, एक्सचेंज पे जो भी कंपनियाँ लिस्टेड हैं, आप उन कंपनियों के शेयर खरीदना चाहते हैं। शेयर का मतलब है कि आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, शेयर का यही मतलब होता है कि आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, और कंपनी को लॉस होगा तो आपके जो शेयर का प्राइस है वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। तो दोस्तों, अभी आपको किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है, सपोज करिए आपको जो है SBI का शेयर खरीदना है, SBI बैंक का शेयर खरीदना है, ये एक्सचेंज पर लिस्टेड है। आपने अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट जो भी है वहाँ पे आपने देखा SBI को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करा, आपने जो है वॉच लिस्ट में से ऐड कर लिया। इसका जो भी प्राइस चल रहा है, सपोज करिए मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि इसका प्राइस 400 रुपये है एक शेयर का, एक शेयर का प्राइस 400 रुपये है।
आपको जो है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको जो है इसमें 400 रुपये देने होंगे, और आप जो है एक शेयर यहाँ पर खरीद सकते हैं, और 400 के मल्टीपल में आप चाहें तो कितने शेयर भी खरीद सकते हैं। आप चाहें तो 400 × 10 भी खरीद सकते हैं, आप 100 भी खरीद सकते हैं, लेकिन जब आप इसे CNC में खरीदेंगे तो आपको जो है पूरा पैसा आपको देना होगा। यानी कि अगर आप एक खरीदेंगे तो आपको 400 रुपये जो है आपके डीमेट अकाउंट से कट जाएंगे। जैसे ही आप इस पर बाय पे क्लिक करेंगे अपने डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट से, तो आपके अकाउंट से जो आपने फंड ऐड कराया उसमें से अगर एक शेयर खरीदते हैं तो 400 रुपये कट जाएंगे, और उसके बदले में एक SBI का शेयर जो है आपके डीमेट अकाउंट में तो होगा। तो दोस्तों ये थी प्रक्रिया। आप जैसे ही आप इसे सेल करेंगे, चाहे वो एक शेयर भी हो सकता है, वो 10 शेयर भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे सेल करेंगे तो वो जो आपके अकाउंट में जो शेयर है वो शेयर जो है मार्केट में बिक जाएगा, जो भी रेट आप डाल के बेचना चाहेंगे, तो उसके बदले का जो अमाउंट है वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा और शेयर जो है आपके डीमेट अकाउंट से चला जाएगा। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया क्या थी मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ दोबारा से। जैसे कि आपका फंड जो है वो बैंक के खाते में है, बैंक के खाते से आपका जो पैसा है वो डीमेट में जाएगा, डीमेट में आपने ऐड करा, इससे आप एक्सचेंज पे जाके कोई भी शेयर खरीदते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट से पैसा डीमेट में जाएगा, डीमेट से आप जब शेयर खरीदेंगे तो शेयर में जो भी आप जितने रुपए का भी खरीदेंगे उतने पैसे आपके डीमेट खाते से कट जाएंगे, और इसके बदले के जो शेयर है वो आपके डीमेट में आ जाएगा। अब जैसे ही आप अगर डीमेट से शेयर को अगर आपने बाय करा है तो ये होगा कि आपके जो शेयर हैं वो आपके डीमेट में आ जाएंगे और आपका जो फंड है वो डीमेट से कट जाएगा। अब यहीं पे अगर आप अपने डीमेट से जो है सेल करते हैं, यानी कि शेयर को करा आपने सेल, तो आपका जो शेयर है वो मार्केट में बिक जाएगा, है ना, सेल हो जाएगा, आपके डीमेट से निकल जाएगा, और इसके शेयर के बदले का जो पैसा है वो फिर आपके डीमेट में आ जाएगा। यानी कि खरीदते समय आपके डीमेट से पैसा कटेगा और जब आप इसको सेल करेंगे तो इसके बदले का जो पैसा है वो आपके डीमेट में आ जाएगा। अब चाहें तो जो भी आपके डीमेट अकाउंट का पैसा है वो आप अपने बैंक में जो है विड्रॉल कर सकते हैं, आप इसको वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया ये है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा डीमेट में, और डीमेट से पैसा जाएगा आपका एक्सचेंज पे, एक्सचेंज से आप जो भी माल खरीदेंगे वो माल आपके डीमेट में आ जाएगा और आपके डीमेट से पैसा कट जाएगा। जब आप सेल करेंगे तो आपके डीमेट से जो भी आपने शेयर खरीदा है वो चला जाएगा, उसके बदले का जो पैसा है वो डीमेट में आ जाएगा, और वही पैसा आप वापस जो है अपने बैंक से निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो क्वायरी थी आपकी कि सर कैसे काम करता है, डीमेट से पैसा कैसे कटता है, बैंक से हम कैसे ऐड करते हैं, मैं समझता हूँ पूरी क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों आते हैं कि आपको जो है शेयर मार्केट में अगर आप बिगनर हैं तो आपको कौन सी कंपनियों में निवेश करना चाहिए, किन कंपनियों के शेयर आपको बाय करने चाहिए, तो हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, आप खुद से सोचिए कि आप जो है पिछले 20 साल से या 15 साल से या 30 साल से किन कंपनियों के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और आने वाले 10 15 20 साल तक आप किन कंपनियों के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, और जो है उन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट मार्केट में एस्टेब्लिश कर रखे हैं, पूरी तरीके से मार्केट में पकड़ अच्छी है, और उसी के साथ साथ उनका कारोबार भी बहुत बेहतरीन है, आपको लगता है कि प्रोडक्ट बंद होने वाले नहीं है, तो आप सर्च करिए, आप देखिए, आप अपने लाइफ स्टाइल से जोड़ के देखिए कि जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आप ब्रश करेंगे, नहाने के लिए साबुन लेंगे या जो है शैम्पू लेंगे, तो वो जो साबुन या शैम्पू या जो भी चीज़ें हैं वो किस कंपनी की आप यूज करते हैं, आप यहीं से सोचना चालू कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले देखिए उसमें से एक कंपनी ये भी है जो एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो हो सकता है मे बी आप जो है क्लोजअप यूज करते हों, है ना, या जो है डब यूज करते हों नहाने के लिए, रिन यूज करते हों, है ना, या पेप्सोडेंट यूज करते हों, तो इतने बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके पास। लगभग इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सचेंज पे ये HUL के नाम से लिस्टेड है। आप चाहें तो इसका शेयर खरीद सकते हैं, FMCG सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आप और भी चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं, इनके बहुत सारे ब्रांड आते हैं, तो आप देख सकते हैं, आप चाहे लाइव वो यूज करते हैं, डब यूज करते हैं, क्लोजअप यूज करते हैं, पेप्सोडेंट यूज करते हैं, रिन यूज करते हैं, आप जो है इस कंपनी का शेयर
खरीद सकते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से ये कंपनियां जो है बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रही है। और देखिए ये देखिए अवर 50+ ब्रांड्स इनके पास हैं, है ना, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन ब्रांड हैं। तो आप जो है देखेंगे कि जो है ये आगे आने वाले टाइम में भी कंपनी अच्छा करेगी, और इसने अभी तक भी अच्छा करा है, बहुत अच्छे रिटर्न भी बना के दिए हैं। दोस्तों मेरा कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल और केवल ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आप खुद से रिसर्च भी करिएगा जब आप किसी भी शेयर में पैसा निवेश करिएगा, या अपने आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है आपको, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, तो बाकी में आप जो है सीरियस निवेशक हैं, आप चाहते हैं निवेश करना, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको दबा दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन ना आपको मिलता रहे, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। अब दोस्तों दूसरी चीज़ क्या आती है कि आप जो है जब भी देखेंगे ये FMCG सेक्टर को हो गया, इसमें और भी सेक्टर हैं, आप कॉलगेट यूज करते हैं तो कौन का शेयर खरीद लीजिए, वो भी जो है लिस्टेड है एक्सचेंज पे, तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। आप ITC में निवेश कर सकते हैं, ITC भी जो है वो भी FMCG सेक्टर की कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, अगर आपको लगता है कि आप उसमें निवेश करें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए ऐसे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आप रिलायंस की बात करें, आप रिलायंस को ख़रीद सकते हैं, रिलायंस को जो है जियो की वजह से सब जानते हैं, लेकिन रिलायंस के और भी बहुत सारे काम हैं, रिफाइनरी का काम है इनका बहुत तगड़ा, रिलायंस रिटेल स्टोर हैं, ऐसे करके बहुत सारे रिलायंस के जो है काम हैं अलग अलग। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, मार्केट कैप भी बहुत तगड़ा है रिलायंस का, तो आप एक रिलायंस का शेयर भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बताऊंगा, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, और आप चाहें अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप HUL, रिलायंस किसी में भी निवेश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों शेयर मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन आप फिर भी अगर देखभाल के निवेश करेंगे तो कम से कम आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा, और वो जो है आपको कुछ रिटर्न भी बहुत बेहतरीन से जनरेट करके देगा। तो दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में दूसरा शेयर मेरे ख्याल से जो है रिलायंस होना चाहिए, HUL, रिलायंस। अब आती है बात बैंकिंग की, आप सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं, करंट अकाउंट का यूज करते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे बेहतरीन जो बैंक निकल के आती है वो HDFC है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छी सेवाएं हैं। तो आप जो है HDFC बैंक का जो है शेयर खरीद सकते हैं, ये भी जो है मार्केट में लिस्टेड है। और अगर आप सरकारी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, यानी कि सरकारी बैंक का खरीदना चाहते हैं, तो SBI जो है, SBI बैंक जो है वो सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है, आप SBI का शेयर खरीद सकते हैं, यानी कि आप लंबे समय के लिए निवेश करें। दोस्तों पहली बात क्या है, जो भी नए आते हैं ना शेयर मार्केट में, जो बिगनर हैं, वो आते के साथ ही इंट्राडे करने की कोशिश करते हैं, जबकि इंट्राडे जो है आप कर सकते हैं लेकिन सीखने के बाद, अगर आप नए हैं और इंट्राडे करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, आपका जितना भी फंड लेके आएंगे आपका फंड पूरा का पूरा साफ हो सकता है। उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट, इंट्राडे की जानकारी, तरीका, नियम, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, स्टॉप लॉस, अगर आपने कहीं एक स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया और आपने लिवरेज पे अगर अपनी पोजीशन बना ली इंट्राडे में, तो आपका पोर्टफोलियो पूरा का पूरा एक दिन में भी साफ हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप निवेश करिए, इन कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत बड़े बड़े मार्केट कैप हैं इनके, है ना। तो आप पहले निवेश करिए और समझिए मार्केट को कि आखिर ये शेयर जो है काम कैसे करते हैं, आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होंगे, इनकी कीमत हर दिन बढ़ेगी घटेगी, आपको पता लगेगा मैंने कहाँ पर ख़रीदा है, दोबारा से मैं कहाँ पर ख़रीद सकता हूँ। तो आप जो है समझने की कोशिश करिए, आप आते के साथ क्या करते हैं, आप इंट्राडे करने लग जाते हैं और चाहते हैं कि रोज के मैं जो है यहाँ से 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 6000 रुपये बना लूँ, और आप जितने पैसे लेके आए हैं पता चली वो भी निकल जाते हैं। तो दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं इसमें जो है ना आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं अगर आप तरीके से काम करेंगे, तब अगर आप तरीके से काम नहीं करेंगे तो आप जो है अपना सारा का सारा फंड जो है खो भी सकते हैं, पैसा खो भी सकते हैं।
अगर आप पहले जानेंगे देख लेंगे तो अच्छी बात है, वरना मार्केट फिर बहुत भयंकर तरीके से दिखाता है, आपके कैपिटल को पूरा जीरो भी कर सकता है। तो दोस्तों निवेश करने के लिए बेहतरीन कंपनियां ये आप जानते हैं, SBI को सभी जानते हैं। हो सकता है आपका खाता SBI में कभी रहा हो या आपके बड़ों का किसी का अकाउंट जो है SBI में रहा हो। HDFC भी नंबर 1 है प्राइवेट सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, तो आप HDFC खरीद सकते हैं। मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, आप कोई सा भी जो आपको बैंक अच्छा लगता है, एक्सिस में आप जो है अकाउंट खोल सकते हैं, आप ICICICI के साथ जा सकते हैं, सब ये बैंकिंग की कंपनियां हैं और ये एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, आप इनमें से किसी का भी शेयर जो है खरीद सकते हैं। दूसरा, अब बात आती है कि आपके पास कभी ना कभी टू व्हीलर तो जरूर रही होगी, तो टू व्हीलर की कंपनी भी जो है एक्सचेंज पर लिस्टेड है, आप हीरो मोटर का शेयर खरीद सकते हैं। आप चाहें तो हीरो मोटर में निवेश कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है कि हीरो मोटर जो है अच्छी गाड़ियां बनाती है, सभी को पसंद भी है, और जो है चाहें तो आप TVS को खरीद सकते हैं, चाहें आप बजाज को खरीद सकते हैं, आप किसी को भी खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, आप खुद का भी रिसर्च करें, आप मेरे बताने से ही जो है सीधा का सीधा पैसा ले जाके डाल ना दें। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा लंबे समय का प्लान है कि मेरे को निवेश करना ही है, तो ये कंपनियां आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको जो है जनरेट करके दे सकती हैं, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा। आप चाहें आपका इंटरेस्ट 4 व्हीलर में, आप मारुति का शेयर खरीद लीजिए, मारुति लिस्टेड है। तो ऐसे करके जो है आप चाहें तो इन कंपनियों में जो है अपना निवेश धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, और आपको इसी के साथ साथ पता लगेगा कि ये जो है आखिर काम कैसे कर सकता है। आप अपना पोर्टफोलियो चेक करेंगे, आपको वहाँ पे इन शेयरों की घटती हुई कीमत, बढ़ती हुई कीमत, दिन भर का इनका मोमेंटम, सब कुछ आपको पता लगेगा। तो आप जो है अगर आप बिगनर हैं शेयर मार्केट में, तो दोस्तों मैंने बताया कि डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है, वहाँ पे आपको फंड जो है कैसे आपका मार्केट में लगता है, और मार्केट से जो है आपको शेयर कैसे मिलते हैं, और वहीं जब आप शेयर बेचते हैं तो वहाँ से जो है आपको पेमेंट कैसे मिलता है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, इसमें T+2 डे का समय लगता है आपके सेटलमेंट अमाउंट में, तो आप जब भी शेयर बेचेंगे तो मे भी हो सकता है उसमें आपका पेमेंट कुछ कम दिखाई दे, लेकिन वो T+2 डे में आपका पूरा जो है सेटलमेंट होकर पूरा पेमेंट दिखाई देता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।